हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज आए मैं रहता हूँ नाडा साहिब के पास, और अभी आया हूँ मैं। देखो ये नाडा साहिब के पास है, थोड़ा सा नाला सा टाइप, नदी थी क्या कभी, नाला हो गया। और जो यहाँ के पहाड़ है देखो, वो कट रहे हैं धीरे धीरे बारिश वारिश से। मैं हाईवे पे हूँ, ये हरिद्वार वाला जो हाईवे है, ठीक है। मैं लेट उठा, तो सैटरडे है तो वीकेंड, तो मैं लेट उठा। बट नाउ जैसे ही हाईवे पे थोड़ा सा जॉगिंग करने निकल पड़ा मैं, सो हॉस्पिटल है। और ये हाईवे बहुत अच्छा है वैसे, टू मच गुड। बट ये इधर थोड़ा सा वैसा इलाका है, इधर सेक्टर नहीं है, ये कोई गांव है, नाडा गांव या आई थिंक नाडा गांव तो नहीं है, बट कौन सा गांव है। चलो तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आज मैं आपको शेयर कराऊंगा कि मैं रहता कहाँ हूँ। दैट एक बढ़िया से फार्म हाउस में रहता हूँ मैं, सरदार जी के, उन्होंने बहुत मस्त मेंटेन कर रखा। पर आजकल वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। हेड थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं और थोड़ा दौड़ लगाते हैं, दौड़ दौड़, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। आई विल ट्राई कि 3-4 किलोमीटर जाऊँ आगे तक, अगर थका नहीं तो, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट डूइंग दैट, सो नॉट श्योर। मुंबली का टाइम हो गया है। अच्छा ये है नाडा साहिब पंचकुला, जहाँ जगह का नाम भी नाडा साहिब है यहाँ पे, ठीक है। तो उस साइड तो सेक्टर है, उस साइड सेक्टर है, नाडा साहिब भी दिखाऊंगा मैं आपको। प्राइमरी स्कूल चल रहा है, हम भी बैठते थे कभी ऐसी, वो देखो प्राइमरी स्कूल बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं। शायद राशन देने वाले की सरकारी जो मिलता है, हाँ वही लिखा हुआ है, सूचना पट्टा भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे राशन लेने को खड़े हैं। वो वहाँ शुरू हुआ था, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इतना टाइम लग गया मेरे को यहाँ आते आते। और बीच में मैंने नारियल पानी भी पिया। बड़े सुंदर पहाड़ियाँ एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो भूमि कटाव होता है, क्योंकि यार ये पानी बारिश जब बरसात होती है तो पूरा कट जाता है, फिर धीरे धीरे वो देखो वो पहाड़ दिख रहे होंगे तुम ऊपर, वो भी कट रहे हैं। सो ऐसे ही जलवायु परिवर्तन होता है, कहीं पेड़ गायब हो जाते हैं एकदम से, कहीं पहाड़ गिर जाते हैं, तो एक जो एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी होती है वो रह नहीं पाती, ठीक है गाइस। और बदलाव तो ज़िंदगी है, बदलाव तो होना ही है। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ समथिंग कम्स अप हियर इन द अर्थ, कोई अगर चीज़ धरती पे आई है ना, तो वन डे उसको परिवर्तन होना है। धरती पे आ गया ना कोई तो उसको परिवर्तन होना है। हम कहते हैं वो धरती से चला जाता है, बट होता कुछ नहीं है। अब जान तो कोई देख के नहीं आया, आत्मा कोई देख के नहीं आया, दैट हाउ इट लुक्स लाइक, उसका वजन कितना होता है धरती पे, इसका कितना वो है। बट कोई भी इंसान होता है, इंसान जानवर जो मरता है या फिर कुछ भी होता है, तो वो परिवर्तन हो जाता है। तो पावर का जो है ना, वो एक कह लो कि दूसरी चीज़ में परिवर्तन होना लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी चीज़ें हो। धरती पे समथिंग कम्स अप तो वो जाएगा ही जाएगा, मतलब परिवर्तन होगा, जाएगा नहीं रहेगा धरती पे ही। इसलिए लोग कहते हैं ना कि मैंने प्लॉट खरीद रखा है, मैं किराए पे हूँ, ये मकान मैंने किराए पे दे रखा है, मैंने प्लॉट खरीद लिया 200 गज 500 गज। रियलिटी ये है कि हम लोग किराए पे हैं यहाँ पे 10 साल 50 साल 60 साल 70 साल, देन वन डे वी हैव टू गो, मतलब हमको मिलना है एक चीज़ में, उस धरती में ही मिलना है जिस धरती को हम खरीद रहे हैं। सो ओसो सही कहता था कि दैट वी डोंट नीड लिमिटेशंस, हमको लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, कंट्री या देश वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, कोई कहीं भी जाके रहे, ठीक है। बट वी ह्यूमन बींग थिंक दैट कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है ही इज़ द किंग और ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन, और हम प्लॉट गिनाते रहते हैं अपने। खैर सो आ गया यहाँ पे तक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई मंदिर है शायद, तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। यहाँ से यमुनानगर मोरनी, मतलब लोकेशन मस्त है यार, सही है, मतलब आ गया हूँ मैं, 2-3 किलोमीटर तो आराम से आ गया हूँ मैं।
यहाँ पर पिटबुल, फीमेल पिटबुल है। देखो ये मस्ती करने आ गया, मैं मस्ती करने के लिए, पर मैंने इसको बचा के अपने आप को बचा रहा हूँ। साला काट ना दे, तो पगलोट होता है पगलोट। ये वहाँ पे आया था, मैं खुद ही इसको बुलाया, साला खुद ही फंस गया मैं। भाई आज धूप बहुत तेज है यार, मौसम मस्त हो रखा है यार। देखो ठा ठा ठा, उसका एरिया बहुत बड़ा है। देखो यहाँ से लेकर आगे से, ये दीवार नहीं है, दीवार आगे है, वो आगे हाईवे तक है। यहाँ वो देखो आगे तक, ओ वहाँ गेट है। ये देखो इधर पहाड़ वहाड़ है, इधर झुकी झोपड़ियाँ बना दिया लोगों ने। ये देखो इतना बड़ा है फार्म हाउस, यहाँ पे एक और स्टोर बन रहा है। तो गाइस ये है हाईवे हरिद्वार वाला, ऋषिकेश वाला, मैंने दिन में भी दिखाया था आपको। और यहाँ पे है नाडा साहिब, दिखाता हूँ मैं आपको नाडा साहिब। वो रहा नाडा साहिब गुरुद्वारा, थोड़ा जूम करके दिखाऊँ। ये रहा नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला वाला, ठीक है। और बस ही, और ऊपर चांद भी दिख ही रहा होगा आपको, चांद नहीं दिख रहा आपको, वो रहा, ठीक है। सो मेरा कुछ खाना आना था, तो मैं खाने का वेट कर रहा हूँ। देन इसी के साथ करेंगे आज का दिन का समापन। यार छुट्टी ऐसे बीतती है ना जल्दी जल्दी, पता ही नहीं चलता। देखो क्या मस्त नज़ारा, और है नज़ारा है।